नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में र की मात्रा है। र की मात्रा का उपयोग कैसे होता है? तो र की मात्राओं में तीन भाग है। कितने भाग है? तीन भाग है। तो पहला कौन सा है? रे। रे। दूसरा पदे। तो पदे और एक है, वो कौन सा है? ये पदे। तो रेख, रेख यानी कौन सा? ऊपर अर्धचंद्राकार पदे, ये है ये पदे। तो यहाँ पर र की मात्राओं में तीन अलग अलग प्रकार हैं। तो इन मात्राओं का उपयोग हम कैसे करते हैं? तो ये मात्राएं सिर्फ थोड़े अक्षरों के लिए सीमित है। सभी अक्षरों में यह मात्राओं का उपयोग नहीं होता। तो यह अलग अलग अक्षरों में इन मात्राओं का उपयोग होता है। तो आज हम देखेंगे कि एक एक मात्रा का कैसे उपयोग करेंगे। तो पहला जो है वह जो है रे। यह कौन सा है? रे यानी अर्धचंद्राकार। कौन सा है? स। स के लिए हमने यहाँ पे स रे की मात्रा य। यहाँ देखो सु, स, स के साथ हमने उ की मात्रा लगाई तो वह क्या बन गया? सु। और यहाँ क्या है? र की मात्रा। र की मात्रा में यह कौन सा है? रे। तो रेख यानी अर्धचंद्राकार यहाँ पे लगाया, उसके साथ हमने य अक्षर को जोड़ा। तो यहाँ हमने ऐसे लिखा सु य। देखो सु य, ये जो चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार जो रेख है, इसको हमने य के ऊपर लगाया तो यह क्या बन गया? सूर्य। और एक बार देखिए सु रे यानी र की मात्रा य से क्या बन गया? सूर्य। दूसरा जो देखेंगे हम स र की मात्रा प। स र की मात्रा प, तो इससे हम क्या बनाएंगे? सर। समझ में आया? यहाँ पे सु र की मात्रा य, सूर्य। स र की मात्रा प, सर। तो उसी तरह और एक उदाहरण, ख रू की मात्रा म। सोचो क्या होता है? क र की मात्रा म। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? कन। जिस अक्षर के ऊपर यह र की मात्रा आती है तो वो मात्रा कभी भी वो अक्षर के पीछे से नहीं। अगर वह पीछे है तो जब हम शब्द बनाते हैं तो उसी मात्रा को आगे वाले अक्षर के ऊपर ही आना है, ये आपको ध्यान में रखना है, पीछे नहीं। यहाँ पे र की मात्रा है, इस मात्रा को हम क के ऊपर लगाएंगे नहीं। यहाँ जहाँ यह मात्रा है उसके आगे जो अक्षर है उसी अक्षर के ऊपर यह र की मात्रा को लगाया जाता है। और एक बार देखिए सु के साथ हमने र की मात्रा जोड़ी और यहाँ पे य अक्षर को जोड़ा, तो तीनों मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? सूर्य। उसी तरह यहाँ पे स र की मात्रा प, सर। यहाँ भी देखो य है, य के पीछे र की मात्रा, तो र की मात्रा का उपयोग हमने कहाँ किया? य के ऊपर। उसी तरह प, प के पीछे हमने क्या लिखा? र की मात्रा। तो यहाँ पर र की मात्रा का उपयोग कहाँ हुआ? प के ऊपर, सर। यहाँ भी म के पीछे
ग र की मात्रा व, तो इससे क्या बन गया, यह र की मात्रा किसके ऊपर आ रही है, व के ऊपर। ये जो मात्रा है यहां से यहां तक आती है, पीछे नहीं आती, यहां से आगे जो अक्षर है उस अक्षर के ऊपर वह र की मात्रा आती है। तो यहां र की मात्रा का उपयोग कहां होता है, व के साथ। उदाहरण देखेंगे, जैसे वह
साथ, तो वह क्या बन गया? वज्र। यहाँ भी देखो तीन अक्षर है, तीन अक्षर है, लेकिन हमने यहाँ पे दो अक्षर और एक मात्रा का उपयोग किया। तो समझ में आ गया आपको, र के बदले में हमने र की मात्रा पदेन का उपयोग किया है, तो इसलिए यहाँ पे तीन अक्षर के बदले दो अक्षर बन गए। समझ में आया आपको कैसे लिखना है? ठीक है। और दूसरा और एक पदेन कौन सा है? यह भी एक पदेन की मात्रा है। यह पदेन सभी अक्षरों के लिए नहीं रहता, सिर्फ थोड़े अक्षरों के लिए, जैसे द, ट, ध, ऐसे सिर्फ थोड़े अक्षरों के लिए इस मात्रा का उपयोग होता है। तो यह मात्रा भी यहाँ इस मात्रा यानी पदेन इस मात्रा को सिर्फ थोड़े अक्षरों के लिए इसका उपयोग होता है। कैसे होता है? देखो यहाँ पर हम एक देखेंगे ट, हमने ट लिखा, र लिखा, क लिखा, ट र क ऐसे हम पढ़ते हैं, ट र क ऐसे हम पढ़ते हैं? नहीं, तो हमने यहाँ पे इसको आधा बना दिया। ट पूरा है ना, इसको हमने क्या किया? आधा बना दिया। ट र क कैसे हमने पढ़ा? ट र क। जब हम इसे लिखते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ट, ट को हमने किसकी मात्रा जोड़नी है? र की मात्रा पदेन को। तो हमने यहाँ पे र के नीचे, ट के नीचे र की मात्रा, देखो यहाँ पे इस मात्रा का उपयोग यहाँ पे होना है। ट र यहाँ क्या बन गया? ट्र। तो यहाँ पे क, क तो यहाँ क्या बन गया? ट्र। तो यहाँ देखो ट है, ट के साथ र है, र के साथ क है, तो यहाँ पे हमने र की मात्रा का उपयोग किया है। तो जब र की मात्रा का उपयोग होता है तो यहाँ पे ट को हमने क्या किया? आधा किया। तो यहाँ पे उसके साथ जोड़ने से क्या बन गया? ट्र। तो दूसरा जैसे ड ले लो, ड, ड को भी हमने आधा किया, र म, देखो ना ड उसको हमने आधा किया, यहाँ पे र है, यहाँ पे म है, तो हम कैसे पढ़ते हैं? ड र म ऐसे नहीं पढ़ते, तो हम यहाँ पे कैसे लेते हैं? ड को आधा है, तो इस ड में हमने र की मात्रा का उपयोग किया। कैसे? देखो ड लिखना है नीचे र की मात्रा का उपयोग, यानी पदेन का उपयोग आपको करना है। ड्र, म, ड्रम। समझ में आया? देखो जैसे ट के नीचे पहले की जो मात्रा का उपयोग हमने किसे किया? एक मात्रा तो हमने ऊपर लगाई, एक तो नीचे लगाई, यह कहा है? जैसे इसके साथ इसको जोड़कर लगाना है, तो ये मात्रा हमको आपको ध्यान रखना है। तो और एक बार देखिए, ट आधा बन गया, ट के साथ हमने र, र के साथ क, तो क्या बन गया? ट्रक। उसी तरह ट र म के साथ र की मात्रा जोड़ने से यहाँ क्या बन गया? ड्रम। तो समझ में आ गया र की मात्राओं की कौन कौन सी भाग है? पदे और रे। तो आपको यहाँ तक के यह मात्राओं का परिचय हो गया। तो आपका जो गृह कार्य है, जो मैंने अभी बताया है, मात्राएं कौन कौन से? रे, कौन सा है? रे और पदे। यहाँ पे तीन अलग अलग मात्राएं हैं, इन तीनों अलग मात्राओं के साथ आपको नए अक्षर, जैसे मैंने बताया था क के साथ, म के साथ, उसी तरह आप भी इन मात्राओं को लेकर अलग अलग शब्द बन, अक्षरों को जोड़कर शब्द